30 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज रुड़की में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं व पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक ली। आइए जानते क्या कहा। हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री वो हरिद्वार जिले में आ रहे हैं और ऋषिकुल मैदान में सहकारिता विभाग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों के लिए आज हम यहाँ बैठे थे और 10,000 से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। उस दिन सभी जो हमारे बहुत देशी साधन सहकारी समितियाँ हैं, देश का पहला राज्य है जो कि 100% जो है हमारे साधन सहकारी समितियों को कंप्यूटराइजेशन कर दिया गया है, उसका वो विधिवत उस दिन उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम हर समिति में एक एक जन औषधि केंद्र खोलने जा रहे हैं, हर समिति में हम एक एक CSC सेंटर खोलने जा रहे हैं, उसका भी वो विधिवत उस दिन जो है लोकार्पण करने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में लगभग 600 से ज़्यादा समितियों में ये कार्यक्रम जो है लाइव कार्यक्रम होगा। हर समिति में वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो हमारे डायरेक्टर हैं, वहाँ के जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो अपनी अपनी समितियों में इस कार्यक्रम को देखेंगे। तो हजारों लोग इस कार्यक्रम में सीधे जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रहने वाले हैं। और जब से हमारे अमित शाह जी सहकारिता के मंत्री बने हैं, आपने देखा होगा कि सहकारिता आंदोलन को एक राष्ट्रीय पहचान मिल गई और करोड़ों किसानों का इसमें जो है जो किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का टारगेट है, एक नया विभाग बनने के बाद पूरे देश में अब अमित शाह जी कर रहे हैं कि हर पैक्स को जो है कंप्यूटराइजेशन करने का भी उन्होंने निर्णय लिया है और एक अलग से नियमावली जो है हमारी कॉपरेटिव्स की सेक्टर की बनाने जा रहे हैं और एक क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने जो है कॉपरेटिव सेक्टर में किया है। मंत्री जी, किसानों को हम 0% पे ऋण देते हैं और अभी तक हम 7.5 लाख किसानों को लगभग 6,000 करोड़ पे ऋण दे चुके हैं। ये भी देश का पहला राज्य है जो कि किसानों को 0% पे ऋण देगा। देखिए, सहकारिता में पहली बार जो है ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी और आपने देखा होगा कि देश का पहला राज्य है कि जहां की IBPS से परीक्षाएं कराई गई और पहली बार पारदर्शी जो है सिस्टम बनाया गया है और अब तो पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन हो सकता है। कोई गड़बड़ करने वाला ना हिम्मत दिखाएगा ना हिम्मत करेगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि जिला पंचायत में पहली बार उन्होंने टेंडरिंग की व्यवस्था की है, पारदर्शी व्यवस्था की है। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो जो है साक्ष्य देगा तो उसका भी साक्ष्यों के आधार पर उसकी जांच हो जाएगी कि भाई अगर साक्ष्य देंगे तो निश्चित रूप से जो है हम भी जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं या हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी भी खुद ही जो है उसकी जांच करा लेंगे कि अगर कोई साक्ष्य दे रहा है। देखो, बिना साक्ष्यों के आधार पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अगर कोई भी साक्ष्य हो गया तो हमारी सरकार जो है निश्चित रूप से उसकी भी जांच कराई जाएगी। और मैं कह सकता हूं कि हम तो नकल अध्यादेश लेके आए हैं, हम पारदर्शी सिस्टम वाले लोग हैं। पूरे देश में मोदी जी जो है एक बार पूरे पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता के काम कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष लोग जो है पारदर्शी काम कर रहे हैं। तो अगर कोई भी अगर शिकायत आती है तो उसका परीक्षण जरूर करें। देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं तो आज भी संदर्भ में हमारे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी यहाँ पर आए हैं और बैठक की है तभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। हजारों की संख्या में लोग यहाँ से जो है रैली में जाएंगे और अमित शाह जी के विचार सुनेंगे। सहकारिता में जितना काम मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में हो रहा है माननीय मंत्री के नेतृत्व में, काम पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। उसी का एक उदाहरण है जो अमित शाह जी यहाँ पर आ रहे हैं और जितनी भी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं उनके बारे में उनका लोकार्पण और शिलान्यास माननीय अमित शाह जी करेंगे। मैं सोचता हूँ कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने जा रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। माननीय मंत्री के नेतृत्व में उनकी से हम लोग 100-150 बसें यहाँ से लेकर जाएंगे और सभी कार्यकर्ता गाड़ियों में भी जाएंगे और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में 30 तारीख को होगा।